दोस्तों, ये टोयोटा की इनोवा है और 2007 का मॉडल है। बहुत पुराना मॉडल है और 3.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। ये गाड़ी हमारे पास एक बार पहले भी आ चुकी है, लेकिन उस टाइम पे इसमें प्रॉब्लम जो है, दूसरा प्रॉब्लम था कि रनिंग में गाड़ी जो है चलते चलते गाड़ी पिकअप ड्रॉप हो जाता था और रेस बिल्कुल काम नहीं करता था गाड़ी में। फिर अचानक से जो है एक्सीलेटर काम करने लगता था और गाड़ी चलती थी। तो पहले ये प्रॉब्लम था और उस टाइम पर हम लोग जब हमारे पास गाड़ी आई तो आप देख सकते हो ये जो सक्शन वाल्व लगा हुआ है, ये देखिए अंदर मेरा उंगली दिख रहा रहेगा आपको, ये देखिए ये सक्शन वाल्व जो है पंप में लगा हुआ रहता है, बट इसमें थोड़ा बड़ा है। बट ये पंप हम लोगों ने रिप्लेस किया है अलग प्रॉब्लम की वजह से। पहले प्रॉब्लम जो था तो ये सक्शन वाल्व हम लोगों ने खोला था और खोल के उसको सर्विस किया था। तो सर्विस करने के बाद जो है ना गाड़ी 15 से 20 दिन ना परफेक्ट चली थी, एकदम कोई दिक्कत नहीं था, ओके की रिपोर्ट में थी गाड़ी। 15-20 दिन चलने के बाद जो है ना अचानक से वो कहीं जा रहे थे और सडनली गाड़ी बंद हो गई हाईवे पे ही, और उसके बाद जो है गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी इनकी। अचानक से बंद हो गई और गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक दो मैकेनिक को दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने बोला इंजेक्टर में सप्लाई नहीं आ रहा, ये वो सब। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं सर, आप गाड़ी लेके आ जाओ। तो गाड़ी हमारे पास लाए वापस से, और फिर जो है हम लोगों ने उस पंप के स्विच को भी देखा, ये स्विच को भी चेक किया। तो ये स्विच है ना कभी कभी काम करता था, कभी नहीं करता था। और इस जो हाई प्रेशर पंप है ना, ये जो पंप है हाई प्रेशर पंप, ये पंप में भी प्रॉब्लम था। तो ये पंप खोल के हम लोगों ने कस्टमर को दिया, तो उनका कहीं पहचान था तो वो गए पंप वाले के पास और पंप वाले के पास चेक कराए। तो उसने पंप वाले ने वो जो सक्शन वाल था पंप के अंदर, उसने दूसरा कोई सक्शन वाल लगाया। लगाने के बाद 15-20 मिनट डीजल का प्रेशर परफेक्ट था, वापस वो ड्रॉप हो जाता था। तो इन्होंने कहीं से सेकेंड हैंड जो है पंप लाया, ये वाला जो हाई प्रेशर पंप है सेकेंड हैंड लाया। अब जो है पहले देखो, ये जो सक्शन वाल है इसमें छोटा सक्शन वाल था, बट ये पंप में बड़ा सक्शन वाल है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल इनोवा का है, बट एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गया ये। तो इसको हम लोगों ने फिटिंग किया और फिटिंग करने के बाद जो है गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हो रही है। और ये उन्होंने कुछ 15,000 रुपये का लाया, अब कहाँ से लाया पता नहीं। हम लोगों ने फिटिंग किया है और अभी गाड़ी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी भी चार्जिंग करके लगा दिया मैंने। तो चलिए मैं आप लोगों को गाड़ी एक बार स्टार्ट करके थोड़ा दिखाता हूँ। पहले तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी ये गाड़ी, अब लेकिन एक बार सेल्फ मार के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन ऑन, और ये गाड़ी स्टार्ट है। तो मैं आपको इंजन की तरफ लेके चलता हूँ अभी। दोस्तों आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोग इसका किलोमीटर भी देख सकते हो, गाड़ी कितना चला हुआ है, और गाड़ी स्टार्ट है अभी। और एक्सीलेटर भी देखिए, ये देखिए एक्सीलेटर भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।